नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आगरा में एक तालाब में दो बच्चियों की डूबकर मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। घटना थाना खंदौली बमान ग्राम पंचायत के नगला रंबाला की है। यहां दो बच्चियों तालाब पर नहाने गई थीं। शनिवार शाम अचानक वे गहरे पानी में चली गईं। दोनों बच्चियों के परिवार वालों ने बहुत तलाश की, इसके बाद उनके शव मिले। बच्चियों के डूबने की जानकारी डायल 112 पर दी गई थी, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके से पहुंची पुलिस ने कुमारी शिवा पुत्री राम कुमार उम्र 8 वर्ष, कुमारी लक्ष्मी पुत्री कीरत राम उम्र 8 वर्ष के शव तालाब में देखे। साथ ही साथ बताया गया कि शनिवार शाम को दोनों बच्चियों तालाब में नहाने के लिए घर से गई थीं, इसके बाद घर नहीं लौटी हैं। बताया गया है कि इस तालाब को एक किसान ने अपनी निजी ज़मीन पर खुदवा रखा है, जिसमें वह मछली को पालता है। उसी तालाब में शाम को बच्चे प्रतिदिन नहाते हैं। दोनों बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तहसीलदार एतमादपुर कानून को खंदौली लेखपाल सभी अधिकारी सुबह मौके पर पहुंच गए हैं और सरकार से मृतकों के परिजन को आर्थिक सहायता के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।